बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जहाँ की अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, जो बीमार हैं उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शफा दे, जो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं अब तक, अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारा वक्र आपके सामने जो है ना, वो जो है क्या कर रहा है जुराबों को, मैं अपने लिए लेके आया। दरअसल ना ये पैर के अपने अपना टांगों पे चढ़ाता हूँ, चढ़ाने के बाद ये यहाँ तक आ जाती है मुकम्मल। आपने देखा होगा कभी कभी, मैं वीडियो में क्लिप दिखाता हूँ, तो वो जो मुस्लिम टांगे हैं वो फिर उसके अंदर ये टांग अपनी डाल देता हूँ ताकि उसके जरिए मैं चल सकता हूँ, क्योंकि अगर ये ना पहनूँ तो मैं नहीं चल सकता इसके बगैर, और वरना ये तकलीफ़ होती है और ज़ख्म हो जाता है। आप अपनी ओरिजिनल जो कोहनी है इसको जब आप कोहनी ज़मीन पर लगाएं तो कितनी देर आप बर्दाश्त कर सकेंगे, वजन दे दो तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए कि ये टांगे जो है ना ये हिस्सा नीचे तो खैर टच नहीं होता, लेकिन ये है कि मुकम्मल कवर हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि लूजिंग वगैरह नहीं होती। जब लूजिंग हो टांग निकल के गिरने का खतरा होता है और उससे मुझे तकलीफ होने का भी खर्चा बढ़ सकता है, जख्म भी हो सकता है। सूरत से बचने के लिए फिर ये बार बार आने जाना भी मुश्किल होता है। शहर यहाँ से तकरीबन, जहाँ मैं बहावलपुर से लेके आया हूँ, ये वहाँ तकरीबन मेरा बनता है, यहाँ से 25 किलोमीटर बनता है, घालबंद 25 किलोमीटर। तो ये एक दफ़ा ले गया हूँ, ये तकरीबन इंशाल्लाह 1.5 माह उम्मीद है गुजर जाएंगे, फिर दोबारा खरीदेंगे। तो ये लेके आया हूँ ताकि मेरा ये इंतजाम हो जाए और अच्छे तरीके से मैं सफ़र कर सकूँ, जहाँ की आना जाना हो आगे पीछे तो मैं आसानी से सफर कर सकूँ। तो वक्र जो है ना, किसको धमके दे रहे हो? हाँ जी सलाम, बाय बाय। आपको दुआएं और सलाम दे रही दुआ, अल्लाह सलामती और दुनिया और आखिरत की भलाई दे। हमारा वक्र ने मैक ले लिया है जी। नहीं बेटा टूट जाएगा। तो अब हम इजाजत चाहेंगे आपसे, किसी और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।